हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जॉब मिलने से पहले इंटरव्यू के बहुत सारे राउंड्स होते हैं। ऐसा ही एक राउंड है स्क्रीनिंग इंटरव्यू राउंड। अगर आप अक्सर पूछे जाने वाले एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन पहले हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और स्क्रीनिंग इंटरव्यू कॉल के दौरान क्या कहना है ये भी हम देखेंगे और कुछ स्क्रीनिंग इंटरव्यू टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू? स्क्रीनिंग इंटरव्यू एक जॉब इंटरव्यू का शॉर्टर वर्जन है जो यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि कोई कैंडिडेट उस पद के लिए योग्य है या नहीं। स्क्रीनिंग इंटरव्यू ज्यादातर फोन या वीडियो कॉल पर होता है और आपकी क्वालिफिकेशंस, वर्क हिस्ट्री आदि से रिलेटेड बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को फिर मेन इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। अब जब आप जान गए हैं कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या होता है, तो अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं जो स्क्रीनिंग कॉल के दौरान पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस पर्सनल होते हैं और कम टेक्निकल होते हैं। Hello, I am calling from XYZ company. Can we start your screening interview? So, tell me about yourself. यह अक्सर पूछे जाने वाला HR interview question है। आपको यह जानना होगा कि tell me about yourself पूछे जाने पर आपको को क्या कहना है। सबसे पहले रिक्रूटर को थैंक यू कहे कि उन्होंने आपको अपने बारे में बताने का मौका दिया। फिर अपने एकेडमिक्स और प्रोफेशनल करियर के केवल मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। ऐसा करने के लिए अपने रेज्यूम को अच्छी तरह से देखें और उन चीजों की एक सूची बनाएं जो आपको लगता है कि नौकरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। याद रखें, आपको ऑनेस्ट उत्तर देना है जो इम्प्रेसिव और शॉर्ट हो। Why do you want to leave your current job? आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनिंग इंटरव्यू में बार बार पाएंगे क्योंकि एक रिक्रूटर एक ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करना चाहता है जो लॉन्ग टर्म तक उनके साथ रहेगा। इसलिए जब एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है। रिक्रूटर को जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो आपको आकर्षक लगा हो। आप उत्तर भी दे सकते हैं जैसे कि आप रिलोकेट करना चाहते हैं या कि आप खुद को विकसित होने के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण महसूस करना चाहते हैं आदि। लेकिन आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं का जवाब देते समय मनी, ऑफिस पॉलिटिक्स या ऐसी किसी भी चीज के बारे में न बताए जिसे आपकी कंपनी के लिए बुरा माना जा सकता है। What is your greatest strength and weakness? इंटरव्यू में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ये समझा जा सके कि एक कैंडिडेट खुद को कितनी अच्छी तरह से जानता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल आपके पर्सनल लाइफ में बल्कि आपके करियर में भी आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। तो पोस्ट किए गए जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी गई स्किल्स की एक लिस्ट बनाएं और अपने साथ मैच करें। फिर उसी के अनुसार अपने आंसर तैयार करें। अपने उस स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें जो जॉब से रिलेटेड हो। साथ ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छोटा और सिंपल रखें जो थोड़ी मेहनत के बाद ठीक की जा सकती हो। How do you handle stress and pressure? आप तनाव और दबाव को कैसे संभालते हैं? हर जॉब में तनाव और दबाव आ ही जाता है और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कैंडिडेट कैसे इसे हैंडल करते हैं। How do you handle stress and pressure? क्वेश्चन इंटरव्यू में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहती जो स्ट्रेस एंड प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम ना हो क्योंकि इसका सीधा असर वर्क पर पड़ता है। इसलिए आप सिचुएशन टास्क एक्शन एंड रिजल्ट्स स्टार मेथड का उपयोग करके रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं और अपने आंसर तैयार कर सकते हैं। इससे आपको अपने आंसर को शॉर्ट रखने में मदद मिलेगी। What motivates you? आपको क्या प्रेरित करता है? यह स्क्रीनिंग इंटरव्यू में पूछा जाने वाला काफी कॉमन क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि यह पता चल सके कि आपको क्या एक्साइट करता है। इस क्वेश्चन के आंसर से रिक्रूटर आपकी वर्क स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझ सकेगा और यह भी समझ जाएगा कि आप कंपनी में फिट होंगे या नहीं। Why should we hire you? हमें तुम्हारी नियुक्ति क्यों करनी चाहिए? रिक्रूटर हमेशा बेस्ट कैंडिडेट को ही हायर करना चाहता है, इसलिए आपका काम खुद को बेस्ट कैंडिडेट के रूप में पेश करना है। हम आपको क्यों नियुक्त करें?
का आंसर देते समय जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी गई क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स से अपनी क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स को मैच करें और कॉन्फिडेंस से अपना आंसर दे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा याद रखें कि अति आत्मविश्वास न रखें। Where do you see yourself in 5 years from now? आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखते हैं? यह रिक्रूटर का फेवरेट स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ताकि वह जॉब और करियर ग्राफ के लिए कैंडिडेट का डिटरमिनेशन टेस्ट कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रिक्रूटर लॉन्ग टर्म के लिए कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करते समय अपने करियर प्लान को कंपनी के लिए बेनिफिशियल दिखाए। What are your salary expectations? आपको कितने वेतन की उम्मीद है? अगर आप रिक्रूटर को राइट कैंडिडेट लगते हैं तो वह आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन जरूर पूछते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब प्रोफाइल के लिए बजट अलॉट होता है और वह यह चेक करना चाहते हैं कि आप उनके बजट में आते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बाद में आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताएं। ऐसा करने से रिक्रूटर्स को लगेगा कि आप सिर्फ सैलरी पे फोकस नहीं है, आपको कंपनी ने रिक्वायरमेंट्स में भी इंटरेस्ट है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू टिप्स। स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बारे में जानने के बाद चलिए अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को देख लेते हैं जिन्हें इंटरव्यू में फॉलो करना चाहिए। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शंस में रिक्रूटर्स उन सभी स्किल और रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करते हैं जो उन्हें चाहिए, इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर आप अपने इंटरव्यू आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रिसर्च द कंपनी। एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आप अपने ऑफिस में 5 से 6 दिनों के लगभग हर दिन 9 घंटे बिताएंगे। इसलिए आप एम्बिशन बॉक्स जैसी वेबसाइट में कंपनी के रिव्यूज चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहते हैं या नहीं। बी अटेंटिव टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। पूछे गए प्रश्नों के प्रति सचेत रहें। स्क्रीनिंग इंटरव्यू एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इंटरव्यू है। आपको रिक्रूटर जो पूछ रहा है उस पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा और सीधे संक्षिप्त लेकिन विनम्र तरीके से जवाब देना होगा। Find a quiet spot with good connectivity, good internet connectivity के साथ शांत जगह खोजें। इंटरव्यू के लिए हमेशा ऐसी जगह खोजें जो शांत हो और वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। Be optimistic while answering। उत्तर देते समय आशावादी बने। चाहे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या वीडियो इंटरव्यू, हमेशा आशावादी और खुश होकर ही आंसर दे। हमेशा याद रहे कि इस इंटरव्यू में सफल होकर ही आप अगले राउंड में पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पाते हैं कि आपके पास एक स्किल की कमी है तो आप यह बताएं कि किस तरह से आप उस स्किल को विकसित करेंगे। इससे यह लगेगा कि आप न केवल जॉब इंटरव्यू के बारे में सीरियस हैं, बल्कि उस पर काम करने के लिए अच्छी तरह से प्लान भी तैयार कर लिया है। प्रैक्टिस योर आंसर्स टू परफेक्शन। पूर्णता के लिए अपने उत्तरों का अभ्यास करें। एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट ही रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकता है और कॉन्फिडेंट होने का बेस्ट तरीका है इंटरव्यू आंसर्स की प्रैक्टिस करना। जब आपको आंसर्स की प्रैक्टिस होगी तो आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे सकते हैं। बस इंटरव्यू के दौरान हल्की सी स्माइल रखिए और इंटरव्यू के बाद एक थैंक यू ईमेल लिखना ना भूले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Bye, take care of yourself.